हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा शिवस रीगल 12। बताऊंगा आपको कि इसमें क्या खास है, इसकी कैसी नोजिंग है, इसका कैसा टेस्ट है और आजकल ये किस प्राइस रेंज में मार्केट में मिल रही है। गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, शिवस रीगल 12 आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ पन्नो डिकोर। शिवस रीगल के काफ़ी ज़्यादा वेरियंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको शिवस रीगल 12 मिल जाएगा, उसके बाद शिवस रीगल एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिसको 13 इयर्स के लिए एज किया जाता है, फिर 15, फिर 18 ईयर ओल्ड, फिर अल्टीस 25 इयर्स। तो काफ़ी एक ह्यूज लाइनअप है इनकी मार्केट के अंदर। ये ब्लेंड है ग्रेन स्पिरिट्स का और सिंगल मॉल्ट्स का, और जितनी भी विस्कीज को ब्लेंड किया गया है इसमें उसको मिनिमम 12 ईयर्स के लिए मैच्योर किया ही गया है। इसमें जो मेन सिंगल मोल्ड का यूज़ किया गया है वो है स्त्रस्थिला, जो कि एक काफ़ी पुरानी डिस्टिलरी है स्कॉटलैंड में। दोस्तों, ये 750 ml की बॉटल है और ये आपको पंजाब में 2500 से लेके 3000 की मिल जाएगी। चंडीगढ़ में ये आपको 2000 और 2200 के आसपास मिल जाएगी। इसमें जो आपको अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 43% मिलेगी। तो अब इसको पोर करते हैं ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो चलिए इसको पोर करते हैं। तो गाइस, इसकी लेग्स देख लेते हैं, लेग्स कैसी बन रही है और इसका कलर कैसा है। इसमें एडिट कलर्स का यूज़ किया गया है, तो इसका जो कलर है थोड़ा गोल्डनिश कलर है, हल्का सा डार्कर साइड पे है। और इसकी जो लेग्स बन रही हैं ये मीडियम लेग्स बन रही हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी इजीली इसकी लेग्स नीचे आ रही हैं। तो ये एक लाइट विस्की होगी मेरे हिसाब से। अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। वाओ, जैसे ही मैं इसको नोज कर पा रहा हूँ इसमें से हनी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, एक फ्रूटीनेस मुझे इसमें मिल रही है। ये जो नोज है ना, ये काफ़ी जानी पहचानी लग रही है, जैसे कि आप 100 पाइपस पियोगे, 100 पाइपस 8 ईयर ओल्ड वाली पियोगे तो काफ़ी सिमिलर सी नोजिंग आपको ये मिलेगी। स्मोकीनेस बिल्कुल कम मुझे मिल रही है, इनफैक्ट मिल ही नहीं रही, लेकिन जो एक हनी का फ्लेवर, एक फ्रूटीनेस मिल रही है वो काफ़ी टेम्प्टिंग लग रही है। नोजिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। गाइज, नीट पीने में हल्की सी इसने मेरे टंग के ऊपर बर्न दिया है, बिल्कुल माइनर सा। इसमें ग्रेन विस्की का ज़्यादा यूज़ किया लग रहा है मुझे, ग्रेनीनेस मुझे इसमें फील हो रही है, लेकिन भाई जो फ्रूटीनेस है, जैसे ही आप इसको गल्प कर लोगे फ्रूटीनेस काफ़ी अच्छे से आपके पैलेट के ऊपर आएगी। ओकीनेस मुझे इसमें मिल रही है, ओक की वुड का एक फ्लेवर इसमें मिल रहा है, हल्की हल्की इसमें बिटरनेस है जो कि ओक की टैनिन से आती है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी रीयूज कास का यूज़ किया गया है इसको मैच्योर करने में। अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, भाई मैं आज इसको दूंगा 8.1 out of 10, क्योंकि 2500 में मैंने इसको लिया है और 2500 में मुझे शिवस रीगल 12 मिल रही है, एक विस्की मिल रही है जिसको 12 साल के लिए मैच्योर करवाया गया है, जिसकी डिस्टिलेशन, जिसकी मैच्योरेशन और जिसकी बॉटलिंग तक स्कॉटलैंड में हुई है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी एक स्कॉच विस्की है। किस किस को शिवस रीगल 12 पसंद है नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।